जादुई मेहंदी का जादू। एक शहर में आरती नाम की एक लड़की रहती थी। आरती की अभी नई नई शादी हुई थी। शहर में उसका एक पार्लर था जिसमें वो सभी औरतों को सजाने सवारने का काम किया करती थी। एक बार की बात है, आरती के पार्लर में काम करने वाली लड़की काम छोड़कर चली जाती है, जिसकी वजह से आरती का काम ठप हो जाता है, क्योंकि आरती अकेली ग्राहकों को नहीं संभाल पाती थी और उससे कोई ना कोई गलती हो ही जाती थी। इन सब से बेचारी आरती बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन उसके पति शुभम ने उससे कहा, क्या बात है आरती, बहुत परेशान लग रही हो। हाँ शुभम मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पार्लर में जो एक लड़की काम करती थी उसने काम छोड़ दिया है। उसके काम छोड़ने के बाद तो मेरा पार्लर का काम ठप हो गया है। अब तो त्योहार भी आ रहे हैं, यही तो काम करने का सीजन है, और मेरे पास कोई लड़की नहीं है जो ये सब संभाल सके। पार्लर का काम तो मैं संभाल लूं, पर मेहंदी लगाने वाली कोई चाहिए जो नई नई डिजाइन की मेहंदी लगा सके। आजकल अच्छी मेहंदी बहुत डिमांड में है। अरे बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो। मेरी नज़र में एक लड़की है जो बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाती है, लेकिन वो गांव में रहने वाली है और बेचारी बहुत गरीब है। हाल ही में उसकी माँ का देहांत हो गया है, बेचारी गांव में अकेली पड़ गई है। अगर तुम कहो तो मैं उसको अपने साथ शहर ले आता हूँ, जिससे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और उसको आसरा भी मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तुम कल ही उस लड़की को जाकर ले आओ, मैं उसे अपने पार्लर में काम दे दूंगी, इससे मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। शुभम अगले सुबह ही अपने गांव जाता है। उसके गांव में एक निक्की नाम की लड़की रहती थी। निक्की सच में बहुत गरीब थी और उसकी माँ का भी हाल ही में देहांत हो गया था। वो रिश्ते में शुभम की दूर की बहन लगती थी। शुभम उसके घर जाता है और उससे कहता है, निक्की मुझे तुम्हारी माँ के देहांत का बहुत ही दुख है। तुम गांव में अकेली रहती हो, तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा हुनर है कि तुम बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती हो। पूरे गांव में तुमसे अच्छी मेहंदी कोई नहीं लगाता। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तुम अपनी मेहंदी लगाने का हुनर शहर में दिखाना, वहाँ मेरी पत्नी का पार्लर है, उसे एक लड़की की जरूरत है और तुम है काम की। शुभम भैया, आपने तो मेरी सारी समस्या ही दूर कर दी। मैं यहाँ पूरी तरह से अकेले पड़ गई थी और मैं कुछ करना चाहती थी, लेकिन मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। अच्छा हुआ आपने मुझे रास्ता दिखा दिया, मैं अभी तैयार होकर आपके साथ चलती हूँ। निक्की शुभम के साथ शहर की ओर चल देती है और आरती के पार्लर में मेहंदी लगाने का काम शुरू कर देती है। चंद दिनों में ही उसकी लगाई हुई मेहंदी बहुत मशहूर हो जाती है। अब हर कोई उसी से मेहंदी लगवाना चाहता था। कोई भी ग्राहक दुकान पर आता तो वो मेहंदी के लिए निक्की को ही खोजता। आरती का तो पार्लर में होने ना होने का कोई फायदा ही नहीं था। कई लोगों ने तो पार्लर को निक्की का पार्लर बोलना शुरू कर दिया था। इन सब से आरती को बहुत जलन होने लगी। वो एक दिन निक्की से कहती है, निक्की मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी मान्यता ही खत्म हो गई है। यहाँ तक कि मेरे पार्लर को तुम्हारे नाम से जाना जाता है और मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तुम अपना जुगाड़ कहीं और देख लो। लेकिन आरती भाभी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो आपके भरोसे ही गांव से सब कुछ छोड़ के यहाँ आई थी और आप ही मुझे अपने पार्लर से निकाल रही हैं। ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए निक्की। एक बार मैंने कह दिया तुम यहाँ से निकल जाओ, मतलब निकल जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। जब तुम नहीं थी तो मेरा पार्लर मेरे नाम से ही विख्यात था। जब से तुम आई हो लोगों ने मेरे पार्लर का तो नाम ही बदल दिया है। ऐसा लगता है तुम इस पार्लर की ओनर हो। मेरे तो कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। तुम यहाँ रहोगी तो मेरा नाम खत्म हो जाएगा। तुम यहाँ से चली जाओ। निक्की उदास मुंह लेकर पार्लर से निकल जाती है। निक्की को रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत निक्की से कहती है, बेटी देखो ना, मेरे पैर में कुछ चुभ गया है। जरा निकाल दे बेटी, मुझसे चुका नहीं जा रहा है। पैर बहुत दुख रहा है,
घुटनों में दर्द की वजह से मैं झुक नहीं पा रही हूँ। मेरी मदद कर दे बेटी। अरे दादी माँ, तुम्हारे पैर से तो बहुत खून निकल रहा है, आप नंगे पैर सड़क पर क्यों घूम रही हैं? देखिए कितना ज्यादा जख्म हो गया है। बेटी, मैं यहाँ वहाँ घूम कर ही अपना गुजारा करती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पैरों में चप्पल पहन सकूं। इसी वजह से मैं नंगे पैर ही घूमती हूँ। घुटनों की वजह से झुका नहीं जाता बेटी, इसी वजह से कांटा निकालने में असमर्थ हूँ। तुम मेरी मदद कर दो बेटी, तुम तो एक अच्छी लड़की दिखती हो। हाँ हाँ दादी माँ, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके पैर का कांटा निकाल देती हूँ। निक्की बुढ़िया के पैर से कांटा निकाल देती है और उसके जख्मों पर अपनी चुन्नी लपेट देती है। इतना ही नहीं, निक्की अपने चप्पल उस बूढ़ी औरत को पहनने के लिए दे देती है। निक्की की ऐसी सेवा से वो दादी माँ बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, बेटी तुम सच में बहुत नेक लड़की हो, तुमने मेरे पैर से कांटा निकाला और अपनी चप्पल भी दे दी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक मेहंदी की कीप है। ये मेहंदी की कीप तुम अपने पास रख लो। लेकिन दादी माँ, मैं इस मेहंदी की कीप का क्या करूँगी? इतनी मुश्किल से एक जगह का काम मिला था और वो भी हाथ से चला गया। आखिर एक मेहंदी की कीप कितने दिनों तक चलेगी? ये तो एक बार में ही खत्म हो जाएगी। निक्की बेटी, ये कोई साधारण मेहंदी की कीप नहीं है, ये एक जादुई मेहंदी की कीप है। क्या सच में? ये मेहंदी कभी खत्म नहीं होगी और जिस तरह का डिजाइन तुम अपने दिमाग में सोचोगी वैसा डिजाइन मेहंदी की कीप अपने आप लगा देगी। निक्की वो मेहंदी की कीप पाकर बहुत खुश होती है। वो सड़क किनारे बैठकर ही लोगों के हाथ में मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। सभी निक्की की लगाई हुई मेहंदी को देखकर आकर्षित होते हैं और एक के बाद एक ग्राहक उससे मेहंदी लगवाने लगता है। एक ही दिन में निक्की बहुत सारा पैसा कमा लेती है। उन पैसों से निक्की अपने लिए कुछ खाने का खरीदती है और बाकी बचे हुए पैसे अपने पास रख लेती है। इसी तरह कई दिन तक पैसा इकट्ठा करने के बाद निक्की अपना एक घर बना लेती है और अपनी एक दुकान भी खोल लेती है। धीरे धीरे निक्की की प्रसिद्धि बढ़ती जाती है। अब हर कोई उसी से मेहंदी लगवाना चाहता था। इतना ही नहीं, अब तो निक्की कई सारी लड़कियों को मेहंदी लगाना भी सिखाती थी। दूसरी तरफ आरती का पार्लर बिल्कुल ठप हो गया था। फिर से उसके पार्लर में अब कोई नहीं जाता था। इन सब का कारण पता लगाने पर उसे पता चला कि आजकल पूरे शहर में निक्की प्रसिद्ध है, उसका बहुत नाम हो रहा है। अरे वो तो इतनी गरीब थी, जहाँ तक मुझे याद है मैंने उसे एक रुपया भी नहीं दिया था। ना उसके पास घर था, ना शहर से गांव जाने के लिए पैसे। फिर वो इतनी अमीर हुई कैसे? उसे मेहंदी कहाँ से मिली? कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर बात क्या है। ये सब सोचकर आरती लोगों से निक्की के घर का पता पूछती है। फेमस होने की वजह से आरती को निक्की का घर ढूंढने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती और वो निक्की के घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद निक्की उसे देखकर हैरान हो जाती है। भाभी आप यहाँ कैसे? मुझे माफ कर दो निक्की, मुझे अपने किए का पछतावा हो गया है। वो कहते हैं ना कि हुनर हर जगह काम आता है। तुम्हारे अंदर हुनर था, इसलिए आज तुम इतने ऊंचे मुकाम पर हो, मैं जानती हूँ। अब तुम वापस मेरे पार्लर में काम करने तो नहीं आओगी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ तुमने ये मुकाम कैसे हासिल किया। निक्की आरती की ये सारी बातें सुनकर भावुक हो जाती है। उसे लगता है कि निक्की को सच में अपने किए पर पछतावा है। वो निक्की को सारी बात बता देती है। सारी बात जानने के बाद आरती अपने घर चली जाती है और मन ही मन सोचती है, आखिरकार मैंने पता लगा ही लिया, लेकिन अब मुझे किसी भी हाल में निक्की का वो जादुई मेहंदी का कीप चाहिए।
लेकिन मैं उसके लिए क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आरती काफी देर तक सोचती है, फिर उसको एक आइडिया आता है। वो कुछ चोरों को चंद पैसे देकर निक्की के घर वो जादुई मेहंदी की कीप चुराने के लिए भेज देती है। रात होने पर वो चोर निक्की के घर के अंदर चला जाता है और बड़ी आसानी से मेहंदी की कीप चुराकर आरती को दे देता है। आरती मेहंदी की कीप पाकर बहुत खुश होती है। अब मुझे शहर की सबसे प्रसिद्ध मेहंदी वाली होने से कोई नहीं रोक सकता। नाम तो मिलेगा ही, साथ में पैसा भी मिलेगा। वाओ, मैं हमेशा से यही सब चाहती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। आरती बहुत खुश होती है और जादुई मेहंदी की कीप से लोगों को मेहंदी लगाने लगती है। आरती उस कीप से जिसको भी मेहंदी लगाती, उस ग्राहक को मेहंदी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और वो आरती को सुना कर चले जाते थे और पैसे भी नहीं देते थे। इन सब से आरती बहुत परेशान हो जाती है। अरे, इस मेहंदी का जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। आरती फिर से एक ग्राहक को मेहंदी लगाती है, लेकिन उसकी मेहंदी भी वैसी ही बेकार लग जाती है। वो ग्राहक तो आरती की पिटाई करके चली जाती है। आरती को बहुत गुस्सा आता है और वो मेहंदी की कीप जोर से फेंक देती है। फिर वो कीप अपने जादू से वापस निक्की के पास पहुंच जाती है और आरती को कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उसने जो चोरों को पैसे दिए थे उसके वो पैसे भी बर्बाद हो गए थे। दूसरी तरफ निक्की अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।